वैसे तो बचपन में हम सभी ने ये आरसी कार को जरूर यूज किया होगा या खेला होगा इसके साथ, या फिर ज्यादा नहीं तो देखा तो जरूर ही होगा। तो ये आरसी कार को चलाने में कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसको ठोक दोगे, गिरा दोगे, कुछ भी इसके साथ आप कर दोगे, मतलब कोई ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होने वाला। ये है एक टॉय। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ड्राइविंग करते हो तो उस केस में आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपके आँख बंद हो जाए या फिर आपको नींद आ जाए ड्राइविंग के समय, आपके बीपी बढ़ जाए या फिर बीपी कम हो जाए, कोई भी हेल्थ इशू आ सकता है ड्राइविंग के वक्त। तो उस केस में आपका सेफ्टी और आपके पैसेंजर्स का सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और नॉर्मली इंडिया में तो ट्रक ड्राइवर्स जो मोस्टली नाइट में ड्राइविंग करते हैं, उनकी आँख लग जाता है। तो उन केस में ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो होने वाला है उनके लिए। तो ये अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और उन सभी के साथ जो भी ड्राइविंग करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या शो करने वाले हैं, पहले मैं शो कर देता हूँ इसमें कौन से पार्ट को क्या किस चीज़ से डिनोट किया गया। तो ये पार्ट हमारा आँखों को शो कर रहा है और यहाँ पर एक LED लगाया गया है जो कि हार्ट रेट को डिनोट कर रहा है। और इसका बेसिक फंक्शन यही है कि अगर ये 10 सेकेंड तक हमारा आँख बंद रहता है तो ये पहले एक बीप जनरेट करेगा। बीप जनरेट होने के बाद भी 5 सेकंड बाद आंख नहीं खुलता है तो ये पहले तो इसके व्हील्स को स्टॉप कर देगा और ड्राइवर का जो स्मार्टफोन है उसके थ्रू एक मैसेज सेंड कर देगा कि ड्राइवर जो है वो सो गया है या फिर उसका हार्ट रेट एबनॉर्मल है इस टाइम। तो इसको हम लाइव डेमो के साथ देखते हैं पहले। तो यहाँ से हम सबसे पहले ऑन कर लेंगे और इसको ब्लूटूथ से सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये ऐप मैंने डिज़ाइन तैयार किया है MIT ऐप इन्वेंटर में। तो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसका ब्लूटूथ का आ गया नेम YouTube/ElectroGold। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर को रजिस्टर करेंगे जिस नंबर पे हमें मैसेज सेंड करना है अगर हमारा एबनॉर्मल कंडीशन आता है। तो यहाँ पर मैं नंबर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर सेट कर दिया। अभी देख सकते हैं कि हार्ट रेट नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है और आइज भी नॉर्मली ब्लिंक हो रहा है। तो इस RC रिमोट का जो ये कार का जो रिमोट है, इसके बटनों को मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए यूज़ किया है। यानी कि अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो आँख हमारा क्लोज हो जाएगा, अगर इसको प्रेस करते हैं तो हमारा हार्ट रेट एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये देख सकते हैं फास्टर ब्लिंक करने लगा है। तो जैसे ही फास्टर ब्लिंक करेगा तो ये हमारे मोबाइल को मैसेज सेंड कर देगा। अभी मैं इसको ये देख सकते हैं व्हील्स ऑफ हो गए हैं और इस पर हम मैसेज को देखते हैं। इस वाले रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे है मैसेज, ये देख सकते हो 2 आ चुका है। हाय, माय आईज आर क्लोज्ड एंड हार्ट रेट इज़ एबनॉर्मल ड्यूरिंग ड्राइविंग, प्लीज़ फाइंड मी एट दिस लोकेशन। और इसका एक ये खासियत है कि आपका जो मैसेज है, नॉर्मल जो पुराने ज़माने का जो फ़ोन होता था, जो स्मार्टफोन नहीं है, उसमें भी मैसेज आ सकता है। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके स्मार्टफोन पे आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि ये हमारा अभी इस मोबाइल फ़ोन को कहाँ पे है इस टाइम। और इस मोबाइल फ़ोन को हम ट्रेस करके हम पैसेंजर्स का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसका आँख को ओपन कर देंगे तो ये बजर जो हमारा बज रहा है वो बंद हो जाएगा और ये व्हील्स स्टार्ट हो जाएंगे घूमने। तो हमने यहाँ इसको ऑन कर दिया। यहाँ पर मैसेज सेंड हो गया क्योंकि अभी भी हमारा जो हार्ट रेट है एबनॉर्मल कंडीशन। यहाँ एक और मैसेज आया है कि अभी भी हार्ट रेट इसका सही नहीं है, आँख खुल गया। तो बैक कर जाते हैं। यहाँ पे एक मैसेज आया, हाय माय हार्ट रेट इज़ एबनॉर्मल ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। और अभी हम इसके हार्ट रेट को नॉर्मल कर देते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है, अब कोई मैसेज नहीं जाएगा। तो जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आता है ये इसको मैसेज सेंड कर देगा अपने मोबाइल के थ्रू। तो इसको बनाने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसका जो सारा जो बैकएंड में हमारा वर्क हो रहा है, इसके अंदर जो सर्किट लगा है इसके थ्रू सारा काम हो रहा है। इस सर्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ESP32C3 मॉड्यूल यूज़ किया है जिसके अंदर वाईफाई और BLE फंक्शन होता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी। ब्लूटूथ का 4.0 वर्जन है जो कि पावर कंज्यूम करता है, जो कि बैटरी ऑपरेट के लिए भी सही है। तो इस सर्किट में यही हमारा ESP32C3 है जो कि सारा प्रोसेसिंग हैंडल कर रहा है। और ये हमारा TP4056 मॉड्यूल है जो कि इसके अंदर जो बैटरी है उसको चार्जिंग के लिए काम आएगा। और ये जो RC कार का जो सर्किट होता है, इसको हमने इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए यूज़ किया है। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा
क्योंकि हम इसके जो दो इनपुट्स हैं यानी आई ब्लिंक को जो हम इस रिमोट के थ्रू करा रहे हैं वो डायरेक्ट आई ब्लिंक सेंसर से रिप्लेस हो जाएगा और हार्ट जो हमारा एलईडी शो कर रहा है उसके जगह डायरेक्टली हार्ट रेट सेंसर से रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो हमने यूज़ किया है तो हमने यहाँ पे इसका सर्किट डिज़ाइन किया है, ये सर्किट फाइल आपको मिल जाएगा और ये MIT ऐप इन्वेंटर का ऐप मिल जाएगा आपको। इसका जो आर्डिनो कोड है ये सारा आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यही है हमारा प्रोजेक्ट, तो इसको अपने शेयर जरूर करना है अपने ट्रक ड्राइवर या फिर जो भी ड्राइविंग करता है उसके साथ या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट मेकिंग में इंटरेस्टेड है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमें कम्युनिटी पोस्ट एनेबल हो चुका है। यहाँ पे हम शो करते जाएंगे, आपको अपडेट देते जाएंगे कि क्या क्या चल रहा है बैकएंड में। धन्यवाद।